A very good morning to all students and hope you all are fine at home. So today we are doing your fifth chapter, that is good neighbors. वो हमने read कर लिया था बेटा, now it's back exercise and next we will do word meaning and make sentence also. Okay, so see here the first one. Knuckles कहते जो knuckles के school होते closes in May for the मई में किस लिए वो होते हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और ऑटम वेकेशन के लिए. बेटा मई में तो समर होती है ना, गर्मी होती है, इसलिए समर वेकेशन इज द आंसर और यहाँ पे राइट कर देना है. सेकेंड से नकुल्स ग्रैंड पेरेंट्स, नकुल्स के ग्रैंड पेरेंट कहाँ रहते हैं, अब हमने स्टोरी में रीड किया था नागपुर. ओके, नॉट इन पटना, नॉट इन जयपुर, देयर लिव इन नागपुर. नकुल्स मदर लीव्स हर प्लांट्स विद, उन्होंने अपने प्लांट्स किसके पास रखे थे, नकुल के पास, नो, ग्रैंड पेरेंट्स, नो, गुप्ता आंटी, यस, विद गुप्ता आंटी. नकुल्स मदर गेट एक्स्ट्रा स्वीट एंड ऑरेंजेस, एक्स्ट्रा स्वीट और ऑरेंजेस किसके लिए लेके आई थी वो, गुप्ता आंटी. ओके, राइट इट हेयर ऑल्सो. नेक्स्ट देखो बेटा, हु सेड दिस वर्ड्स, ये हमने लास्ट चैप्टर्स में भी किए हैं, किसने ये वर्ड्स कहे, द इन द समर हीट दे विल डाई, तो ये किसने कहा था, नकुल की मदर ने. येस ऑफ कोर्स आई विल टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, कि येस मैं आपके प्लांट्स का केयर करूँगी. हु सेड दिस वर्ड्स, गुप्ता आंटी. गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन नीड, ये किसने कहा था, नकुल की मदर ने, कि गुड नेबर अच्छे हेल्प करते एक दूसरे को जब भी जरूरत हो. मम वाई आर यू बाइंग एक्स्ट्रा स्वीट एंड ऑरेंजेस, आप एक्स्ट्रा स्वीट और ऑरेंजेस क्यों बाय करो, किसने कहा था बेटा, नकुल. When we have good neighbors, we should thank them by giving them something in return. कि अगर good neighbors होते हैं तो हमें उनको thank you कुछ return में देकर करना चाहिए. तो who said these words? Nakul's mother. Okay. See here the next part. This is the page number 41, beta, and you have to color this picture. Okay. So color this picture as according to your favorite colors. Color it. Okay. See here the next. There are the word meanings. And make sentence of this chapter. First is summer. Summer क्या होता है बेटा, hot weather, जब बहुत गर्मी वाला होता है ना weather, उसे कहते हैं summer. Neighbor जो हमारे next door यानी हमारे साथ रहते हैं, ठीक है. Vacation क्या होती है बेटा, जब आपको holidays नहीं होती winter की या summer की, उस वो क्या होती हैं आपकी vacations. Extra मतलब ज़्यादा, आपको कभी कहते हैं ना आप, मैम extra sheet दे दो, मैम extra pencil है, तो extra मतलब कि आपके पास ज़्यादा है तो. ओके, एंड इसके रिलेटेड सेंटेंस देखो बेटा, समर आई ईट आइसक्रीम इन समर सीजन, कि मैं आइसक्रीम कब खाता हूँ, समर सीजन में. नेबर माई नेबर इज वेरी गुड, मेरी नेबर बहुत अच्छे हैं. वेकेशन आई एम गोइंग ऑन वेकेशन, कि मैं छुट्टियों में जा रहा हूँ. एक्स्ट्रा आई हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल, मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है. Okay, so these are the simplest word meanings and make sentence related to this chapter, and you have to write it on your fair notebook. Okay, beta, next we will do in the next lecture.